हे गाइस, वेलकम बैक टू देव रजनी ब्लॉग्स। मैं हूँ रजनी और ये है देव। तो हम अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम तो गाइस हम लोग HAL म्यूजियम पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो ये है टिकट काउंटर यहाँ का और ये टिकट के रेट्स हैं। एडल्ट्स की है 50 रुपीज़ और बिलो 18 चिल्ड्रंस की है 30 रुपीज़, HAL एम्प्लॉयज़ की 30 रुपीज़। और हाँ, अगर आप कैमरा मोबाइल ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टिकट्स हैं। स्मार्टफोन के लिए 20 रुपीज़ है, स्टिल कैमरा की 50 रुपीज़ और वीडियो कैमरा की 75 रुपीज़। तो अगर आप ये चीज़ें ले जाना चाहते हैं तो इनका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। HAL का फुल फॉर्म तो आप सब जानते ही होंगे, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो गाइस अभी हम आ गए हैं HAL म्यूजियम। तो ये देखिए एयरक्राफ्ट है पीछे मेरे, चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर HAL म्यूजियम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1940 में श्री वालचंद हरिचंद द्वारा बेंगलोर में की गई थी। हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय, जो 30 अगस्त 2001 को खोला गया था, एक विशाल स्थल पर फैला हुआ है जिसमें हरी भरी भूमि और विभिन्न विमानों और हेलीकॉप्टरों, विमान इंजन मॉडल, उड़ान सिमुलेटर जो एक नकली हवाई यातायात नियंत्रण टावर होता है, और भारतीय विमानन इतिहास की प्रदर्शनी शामिल है। अब हम लोग म्यूजियम की फर्स्ट बिल्डिंग में आ गए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं इसमें इंजन्स की फोटो लगी हुई है और कौन सा इंजन कब बनाया गया है, तो सारी हिस्ट्री है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ सिमुलेटर है। तो यहाँ पर ये सामने सिमुलेटर है जो नकली हवाई यातायात नियंत्रण टावर होता है, जो अभी मेंटेनेंस की वजह से क्लोज किया हुआ है और इसकी आपको टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। ये सामने जो आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इसका नाम बसंत है। HAL द्वारा डिजाइन और विकसित बसंत ने अपनी पहली उड़ान मार्च 1972 में देखी और इसका उत्पादन 1976 और 1983 के बीच किया गया था। बसंत, जो बसंत के लिए हिंदी शब्द है, एक एकल सीट वाला विमान था जिसे कीटनाशकों और उर्वरकों के लिए हवाई अनुप्रयोग के लिए कृषि उपयोग में लाया गया था।
यहाँ सामने आप देख सकते हैं कई साल पुराने इंजन रखे हुए हैं, जिनके सामने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि पायलट अपनी सीट पर बैठा हुआ है और ऊपर पैराशूट है, तो देव बताएंगे इसके बारे में। ये पैराशूट है, पायलट की सीट है जिससे पैराशूट अटैच है। पैराशूट में पायलट की सीट में बटन होता है, जिसे दबा दें तो ऊपर कॉकपिट खुल जाता है और पायलट की सीट निकल जाती है बाहर। बाहर जाके और बाहर आकर पैराशूट खुल जाता है। तो देव ने आपको बताया कि कैसे पैराशूट खुलता है। अभी आपने PSLV देखी, जिसका फुल फॉर्म हीट शील्ड ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जो सबसे ऊपरी चरण है। यह दो पतली दीवारों वाले जटिल रूप से मशीनीकृत एल्यूमिनियम मिश्र धातु पैनलों और शीटों के आधे हिस्सों में बनाया गया है, जिनका वजन 1200 किलोग्राम है। ये म्यूजियम की दूसरी बिल्डिंग है। इसमें 1940 से लेकर आज तक के फोटो संग्रह करके रखे हुए हैं और प्रत्येक सेंचुरी के विस्तृत फोटो हॉल के साथ HAL के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास को ये चिन्हित करता है। और यहाँ पर एयर वाइज सारे साइंटिस्ट ने जो जो काम किए हैं, जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं, और उन सब की यहाँ हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हैं ये फोटोज लगे हुए हैं सामने।
एचएएल के ग्राउंड में एक आर्किडेरियम, हर्बल गार्डन जो और बच्चों के खेलने का गार्डन और एक कैफेट एरिया और एक स्थिरता विकास पार्क भी है जो परिसर में अतिरिक्त आकर्षण है। स्थिरता पार्क का उद्देश्य सौर प्रणाली, बायोगैस संयंत्र और हाइब्रिड पवन मिलों के कामकाजी मॉडल प्रदर्शित करके जो टूरिस्ट हैं और छात्रों को शिक्षित करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। ये यहाँ का कैफेट एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हो तो उसके लिए ये काफ़ी है। यह जो सामने आप रेड कलर का देख रहे हैं वो रडार है। रडार का मतलब रेडियो डी डिटेक्शन और आरएनजी है। यह रडार डिवाइस के संबंध में उनकी सीमा और कोण के संबंध में विमान की स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करता है। यह हवाई यातायात नियंत्रण रडार एक एल बैंड निगरानी रडार है जिसकी पहचान सीमा 200 समुद्री मील है। इसका एंटीना 5 से 10 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है। यहाँ पर और एयरक्राफ्ट हैं जिनकी हिस्ट्री सामने लिखी हुई है। तो यहाँ बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर किड्स प्ले ग्राउंड भी है जो सामने आप देख सकते हैं, तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सामने ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है जिसकी लंबाई 16 मीटर है और 13.2 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा भव्य हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल द्वारा 5.5 टन वजन वर्ग में जुड़वा इंजन, मल्टी स्टारर रोल, मल्टी मिशन नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये सामने जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये नेवी फोर्स का हेलीकॉप्टर है जो नेवी फोर्स यूज करती थी। इसके साइड में और भी एयरक्राफ्ट हैं जो आप देख सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट का नाम अजीत है। अजीत को 1972 में एचएएल द्वारा लाइसेंस के तहत बौने ब्रिटिश पोलैंड गनेट के उन्नत संस्करण के रूप में जारी किया गया था जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा था और 1965 और 1972 के युद्धों में इसकी उपयोगिता साबित हुई थी। MiG-21 है सबसे खतरनाक प्लेन, फाइटर प्लेन। अच्छा, और कुछ और बताओ ये कौन सा है? सामने जो आप देख रहे हैं वो मारुत है जिसे ट्रेनिंग के रूप में यूज किया जाता था। जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो इसका यूज होता था। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके बारे में अगर बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर इनको आपको देखना है, इनकी हिस्ट्री जाननी है तो एक बार यहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। तो ये था एचएएल म्यूज़ियम। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।